नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है मूल्यों का वर्गीकरण। प्रोफेसर अर्बन ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ एथिक्स में लिखा है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छा की तृप्ति करे, जो व्यक्ति तथा उनकी जाति के संरक्षण में सहायक है। वे कहते हैं कि केवल वही परम रूप से और साध्य रूप से मूल्यवान है जो आत्माओं के विकास या आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। मूल्य संबंधी ज्ञान दर्शन शास्त्र का एक विशेष अंग है। इस शास्त्र में मूल्यों तथा अमूल्य अथवा भावात्मक और अभावात्मक मूल्यों पर कुछ दार्शनिकों ने निष्पक्ष विचार प्रस्तुत किए हैं। अतः इसकी आधारभूत समस्या यह है कि मूल्य क्या है। यह समस्या देखने में तो सरल है, किंतु यथार्थ में यह उतनी ही जटिल है जितनी कि ज्ञान शास्त्र की यह समस्या कि ज्ञान क्या है। मूल्य की इसी समस्या को समझने के लिए इसका वर्गीकरण किया गया है। मूल्यों का वर्गीकरण भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों ने विभिन्न प्रकार से किया है। तो हम देखते हैं पैरी ने किस प्रकार से मूल्यों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी, वास्तविक आदि श्रेणी में विभाजित किया है। सक्सेना ने आलपोर्ट एवं बर्मन के मूल्यों को स्प्रिंगर के वर्गीकरण के आधार पर 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है सैद्धांतिक मूल्य, जो सत्य आधारित कार्यों में रुचि लेना है। दूसरा है आर्थिक मूल्य, जो उपयोगी व्यवहारिक तथा द्रव्य जनित पदार्थों में रुचि लेने पर निर्भर है। तीसरा है सौंदर्यात्मक मूल्य, जो कलात्मक पहलुओं में रुचि लेना है। चौथा है सामाजिक मूल्य, जो दूसरों की सहायता में रुचि लेने से संबंध रखता है। पांचवा है राजनैतिक मूल्य, जो पद, प्रभुत्व तथा शक्ति देखने में रुचि लेता है। और अंतिम है धार्मिक मूल्य, जो आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेना है। इसी प्रकार अंजना शर्मा ने जे ई टर्नर के मूल्यों के वर्गीकरण इस प्रकार किया है। उन्होंने अमूर्त मूल्य और मूर्त मूल्य दो भागों में विभाजित किया है। अमूर्त मूल्य जो है वो वस्तुगत रुचियों पर निर्भर करती है, और मूर्त मूल्य जो है वो विचारगत रुचियां कहलाती हैं। लेविस ने मूल्य को दो प्रकार से विभाजित किया है। पहला आंतरिक अथवा स्वतः प्रेरित, और दूसरा है बाह्य अथवा परतः प्रेरित। जो मूल्य अन्य मूल्यों के लिए साधन मात्र गिने जाते हैं अथवा उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं, वह बाह्य मूल्य अथवा सहायक मूल्य कहलाते हैं। जैसे भोजन से स्वास्थ्य अच्छा होता है, अतः भोजन बाह्य अथवा सहायक मूल्य और स्वास्थ्य आंतरिक मूल्य कहा जा सकता है। इसी प्रकार मिल्टन रॉकी ने मूल्यों के दो प्रकार, सहायक और अंतिम मूल्यों की चर्चा की है। यह दोनों मूल्य तंत्र क्रियात्मक रूपों से परस्पर संबंधित हैं। व्यवहार के रूपों से संबंधित मूल्य अंतिम अवस्थाओं से संबंधित मूल्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। व्यवहार का ढंग एक विशिष्ट अंतिम मूल्य के बजाय अनेक अंतिम मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। अर्बन के अनुसार मूल्य विभाजन निम्न प्रकार हैं। पहला जैविकी मूल्य, इसमें शारीरिक, आर्थिक तथा मनोरंजन संबंधी मूल्य आते हैं। दूसरा पराजैविक मूल्य, इस श्रेणी में बौद्धिक, धार्मिक तथा सौंदर्यात्मक मूल्य आते हैं। और तीसरा है सामाजिक मूल्य, इसमें चरित्र तथा परस्पर प्रेम के मूल्य आते हैं। उसी प्रकार कुछ विद्वानों ने मूल्य को सुखवादी, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नीति तथा तार्किक मूल्यों में भी बांटा है। इस वर्गीकरण के अतिरिक्त भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली NCERT ने जो मूल्यों की सूची जारी की है वह बड़ी लंबी है, तथा उनके द्वारा दर्शाए गए मूल्यों की सूची में 83 मूल्य बताए गए हैं। इस लंबी सूची का श्रेणीकरण किया जाना आवश्यक है। श्रेणीकरण के बाद सूची लघु सूची के रूप में देखी जा सकती है। यह श्रेणीकरण वैयक्तिक, शैक्षिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक तथा सौंदर्यात्मक के रूप में किया जा सकता है। अब तक हमने जितने मूल्यों का वर्गीकरण देखा है उस आधार पर हम मूल्यों को इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं। तो उसके आधार पर सबसे पहला है नैतिक मूल्य, दूसरा है सामाजिक मूल्य, तीसरा है धार्मिक मूल्य, चौथा है राजनैतिक मूल्य, पांचवा है आर्थिक मूल्य, छठवा है सौंदर्यात्मक मूल्य और सातवां है मानव मूल्य। अब हम इन मूल्यों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला है नैतिक मूल्य।
उत्तम मूल्य उच्चतर मूल्यों के अंतर्गत नैतिक मूल्यों को गिना जाता है। इसमें अंतःकरण का महत्व होता है क्योंकि इसके आधार पर वस्तुओं को आंका जाता है। यहाँ अनुभूति के माध्यम से नैतिक मूल्यों को एक गुण के रूप में महसूस करते हैं। नीति शास्त्र का मुख्य कार्य मनुष्य के आचार को जांचना है। यह नैतिक निर्णयों का विश्लेषण करना चाहता है, परंतु प्रश्न यह है कि नैतिक निर्णय में कौन से मौलिक विचार हैं जिनसे नीति शास्त्र संबंध रखता है। नैतिक मूल्य में मूल रूप से तीन विचार विद्यमान हैं। पहला है भला बुरा, गुड एंड बैड, दूसरा है सही गलत, राइट और रॉन्ग, और तीसरा है कर्तव्य या ड्यूटी। सामाजिक मूल्य। जीवन में सामाजिक मूल्यों का बड़ा महत्व है। सामाजिक जीवन में प्रेम सबसे बड़ा मूल्य है और उसी की धुरी पर अन्य सामाजिक मूल्य घूमते हैं। सामाजिक संबंधों को सत्य का आधार चाहिए, इसलिए प्रेम और सत्य दो उच्चतम सामाजिक मूल्य हैं। सामाजिक मूल्यों में समानता का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी मनुष्य बराबर है, सभी में एक जैसी आत्मा है, सभी में मनुष्यता है। इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी योग्यता व कुशलता का समाज में योगदान दे। यदि कोई समाज प्रेम व न्याय पर स्थापित होगा तो वहां शोषण की अवस्था कभी पैदा नहीं होगी। समाज में हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं आदरपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। दया सहानुभूति के भाव मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप से उत्पन्न होते हैं। यदि सभी में समान आत्मा है तो प्रत्येक का समान आदर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य मानवता की सेवा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का अर्थ मानवता का उत्थान करना है। सच्चा धर्म कार्य में प्रकट होता है और वह जीवन का मार्ग प्रदर्शन करता है। धर्म के बिना मनुष्य अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। सच्चा धर्म मनुष्य के आंतरिक जीवन को परिवर्तित करता है। यह सत्य से एकदम जुड़ा हुआ है। यह मानव स्वभाव पर आधारित है। धर्म के क्षेत्र में कई मूल्य आते हैं, जैसे सभी धर्म समान हैं, जिनका अंतिम उद्देश्य एक है। एक धर्म वाले को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। धार्मिक भेदभाव झगड़े इसी सत्य को भुला देने से उत्पन्न होते हैं। धर्म परिवर्तन अवैध है। यह बात धर्म के सत्य को न समझने के कारण उत्पन्न होती है। धर्म को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी धर्म समान और अच्छे हैं। अपने धर्म का सच्चे मन से पालन करना चाहिए। धर्म के विश्वासों का सच्चा प्रयोग व्यवहारिक व सांसारिक जीवन में होना चाहिए। अगला है राजनैतिक मूल्य। राजनैतिक मूल्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति में विश्वास की आवश्यकता है। राज्य व राष्ट्रीय व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को भला बनाना है, इसलिए उनमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता सदा कायम रहनी चाहिए। साथ ही शक्तियों का केंद्रीकरण होना चाहिए जिससे व्यक्ति के हाथ में प्रभुसत्ता रहती है। केंद्र से अधिक शक्ति राज्य में हो, राज्य से अधिक शक्ति जिला में हो, और जिला से अधिक गांव और अंत में व्यक्ति के हाथ में शक्ति हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। समाज में सत्य को उभारने व न्याय के राज्यों को स्थापित करने के लिए सत्याग्रह की विधि का प्रयोग करना चाहिए। यह विधि लोक कल्याण के लिए होना चाहिए और उसे पूर्ण रूप से अहिंसावादी भी। आर्थिक मूल्य। आज अर्थ की प्रधानता का युग है। इसके आगे सभी मूल्य गौण सा प्रतीत होता है। इसी के कारण समाज में वर्ग भेद की भावना का उदय होता है। अर्थ ही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी अर्थ के कारण मानवीय संबंध स्वार्थी बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करने में संलग्न है। प्रेम का स्थान धन ने ले लिया है। परस्पर सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना सब समाप्त हो गए हैं। मनुष्य में पार्श्विक प्रवृत्तियां प्रबल हो उठी है। हम कह सकते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था समाज में व्याप्त है उससे पूंजीवाद का ही पोषण हुआ है। अब हम सौंदर्यात्मक मूल्य के बारे में बात करेंगे। सौंदर्यात्मक मूल्य सौंदर्य बोध और सौंदर्य के प्रति आकर्षण भाव एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है। सौंदर्य व्यक्ति की आंखों की दृष्टि है। इसमें एक प्रकार की स्फूर्ति और ऊर्जा होती है जिसके कारण कलाकार की चेतना और दर्शक या पाठक की चेतना में एक प्रकार का अंतः संबंध स्थापित हो जाता है।
सौंदर्य मूल्य के संबंध में विद्वानों के अपने मत हैं। सुकरात ने सुंदर और शिव को एक माना है, तो प्लेटो ने सुंदर, शिव और सत्य को एक मानते हुए सुंदर को परम पूर्ण तथा उनके लिए नैतिकता की आवश्यकता पर बल दिया है। ये वे मानदंड हैं जिनसे हम सुंदरता का निर्णय करते हैं। सुंदरता कला, संगीत, प्रकृति, ड्रेस, कक्षा में प्रदर्शन, व्यक्तिगत बनावट आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है। अब हम अंत में देखते हैं मानव मूल्य के बारे में। अभी तक हमने जितने मूल्यों की चर्चा की है, उन सभी मूल्यों में मानव मूल्यों की ही बातें नहीं थी, इसलिए इस मूल्य का व्यापक विवेचन आवश्यक है। जब हम मानव मूल्य की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है। अपनी परिस्थितियां, इतिहास क्रम और काल प्रवाह के संदर्भ में मनुष्य की स्थिति क्या है और महत्व क्या है, वास्तविक समस्या इस बिंदु से उठती है। समस्त मूल्यों का स्रोत वही था और मनुष्य की एकमात्र सतर्कता यही सार्थकता यही थी कि वह अपने से अधिक उत्सुकता से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करे। विशेष अर्थ में मानव मूल्यों का तात्पर्य उन मूल्यों से है जो मानव के आंतरिक सहस्वरूप के सबसे निकट प्रतीत होते हैं। उनकी विशेषताएं इसी में है कि मानवीय संवेदनाओं की उनमें मुक्त और उदार स्वीकृति है। जीवन में उन मूल्यों की प्रतिष्ठा का अर्थ मानवता और मानवीयता की प्रतिष्ठा है। तो आज हमने मूल्यों के विभिन्न वर्गीकरण की चर्चा की। आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।